वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर चंद कैटेगरीज को एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त पर हैदराबाद में खामोश जश्न का समा रहा। जज़वी लॉकडाउन जारी रहा, जिन सेक्टर्स को छूट दी गई, इन छोटे बड़े ताजरान ने वफाकी हुकूमत के ऐलान का हैरमकदम किया और एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार जारी रहा, जिसमें रोज़मर्रा के दिहाड़ीदार लोडर्स में मजदूर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। ताजरों ने यकीन दिलाया, हम एहतियाती तदाबीर के साथ काम जारी रखेंगे और हुकूमती अहकाम पर अमल करेंगे और हर हाल में रियासत के साथ हैं। इस मौका पर बुनियादी हकूक कमीशन पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल जब्बार रहमानी ने कहा कि कल वफाकी हुकूमत ने मुल्क में जारी लॉकडाउन के हवाले से चंद असलाहत की और चंद कैटेगरीज को कारोबार करने की इजाज़त दे दी। लॉकडाउन के दौरान आज हैदराबाद में एक दबी दबी खुशी का समा था, लोग खुश थे, दिहाड़ीदार भी ड्यूटी पर थे, रोज़मर्रा के डेली वेजेस पे काम करने वाले मुलाजिम भी ड्यूटी पर थे और वो सब कम अज़ कम इस बात से खुश थे कि आज से उनकी दिहाड़ी का सिलसिला जारी और सारी हो गया और छोटे दुकानदार भी बहुत खुश थे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इन इकदाम की हिमायत करते हैं और साथ में जो कल वज़ीर आज़म ने बात की कि ज़खीरा अंदोज़ों को लगान दी जाएगी और डॉलर और गंदम को स्मगल करने वालों के लिए सख्त सज़ाएँ देने का भी ऑर्डिनेंस आ रहा है, हम उन मुतवक्का ऑर्डिनेंस की के आने से कबल ही हिमायत करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मुल्क का ईमानदार वज़ीर आज़म ईमानदारी से इस मुल्क को, इस शहर के, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। वो इनकी दुख तकलीफ की वजह से खुद परेशान है, वो तन्हाई में रोता है और वो सोचता है कि मेरी कौम किस तरह परेशान है। यकीनन वो इन परेशानी से